कहते हैं सफ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो अच्छे अच्छे दर्द को भुला देती है और शायद हर मोड़ पर किसी न किसी से मिला देती है। और कब तक सफ़र के बिना गुजारा करोगे इस छोटी सी जिंदगी का, क्योंकि सफ़र तो वो दवा है जो खुद को खुद से मिला देती है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल के व्लॉग्स। तो इस टाइम मैं हूँ हमारे भारत देश की एक बेहद ही खूबसूरत जगह कश्मीर में, जिसका दूसरा नाम है जन्नत। यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं यहाँ इन बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने, यहाँ की इन वादियों को एंजॉय करने और इस खुशनुमा मौसम के अंदाज को देखने। तो आप भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसा दिखता है ये पूरा कश्मीर और कैसे हैं यहाँ के लोग। और अगर आप यहां पर आने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप यहां कश्मीर तक पहुंच सकते हैं, आपको होटल किस लोकेशन पर लेना है, टैक्सी किस तरीके से बुक करना है, ये सारी छोटी मोटी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होने वाला है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें अगर कश्मीर पहुँचने की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है जिसमें श्रीनगर एक बड़ा शहर है, और पूरा कश्मीर घूमने के लिए आपको सबसे पहले यहीं श्रीनगर पहुंचना होगा। तो श्रीनगर पहुंचने के यूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस में बताए जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले जम्मू या उधमपुर पहुंचो, फिर वहां से बाय रोड बनिहाल तक पहुँचो और बनिहाल से श्रीनगर बाय ट्रेन पहुँचो। पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस आपको परेशान करने वाले और आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं। तो सीधे सीधे आसान तरीके से श्रीनगर कैसे पहुंचा जा सकता है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी सिटी से जम्मू रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन बुक कर लेनी है। उसके बाद आपको जम्मू के बीसी रोड पर ही इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास ही जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए हर आधे घंटे में शेयरिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे टेम्पो ट्रेवलर 700 रुपये पर पर्सन में, इनोवा 1100 रुपये पर पर्सन में, जो सीधा आपको 7 से 8 घंटे में श्रीनगर सिटी के TRC टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा देंगे। और सेम ऐसे ही कश्मीर घूमने के बाद रिटर्न में आपको श्रीनगर के TRC टैक्सी स्टैंड से डायरेक्ट जम्मू तक के लिए ये सारे शेयरिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप जम्मू की जगह कटरा या उधमपुर बाय ट्रेन आते हो तो वहाँ से भी आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही सेम शेयरिंग ऑप्शंस डायरेक्ट श्रीनगर तक के लिए मिल जाएंगे, जिसका किराया और भी कम रहने वाला है। और सीरियसली दोस्तों, ये ऑप्शंस आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। और दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट। आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से श्रीनगर तक की फ्लाइट डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर, यानी कश्मीर की जो कैपिटल है वहां तक मैं पहुंच चुका हूं। और यहीं से जो है आपको टूर स्टार्ट करना है, और होटल मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीके का आपको कश्मीर में होटल मिलने वाला है, और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड रहेगा। और कुछ इस तरीके का होटल मैं आपको दिखाता हूँ, और ये आपको दिख रहा होगा कि कबर्ड है, बट कबर्ड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, ये देखिए, ओ भाई वॉशरूम है, ये देखिए यहाँ पर जो है वॉशरूम बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको जो है यहाँ पे LED मिल जाएगी, और एक चीज़ और मिलेगी आपको, बताता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पर जो है आपको ये जो आपका जो बेड होता है उसके नीचे जो हीटिंग की सर्विस मिल जाएगी, यानी आपका जो पूरा बेड है वो गर्म हो जाएगा आप एक प्लग ऑन करोगे तब। तो इसका जो टैरिफ है मुझे पड़ा है लगभग 3000 रुपये पर डे, इसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा दो लोगों का। तो आपको जो है श्रीनगर में 4 नाइट्स के लिए होटल लेनी है तो 4 नाइट के होते हैं 3000 के हिसाब से 12000 रुपये। तो 12000 रुपये में आपको मिल जाएगा श्रीनगर में ये होटल। और ये जो होटल है डल लेक के 1 किलोमीटर के अंदर आता है, और होटल की जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और होटल का जो नाम है वो है असद रिजॉर्ट, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो ये चीज़ है कश्मीर की, और अभी चलते हैं, निकलते हैं टूर के लिए।
तो गाइस डे फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है और पूरा कश्मीर आपको घूमने के लिए एक टैक्सी की ज़रूरत लगेगी, यानी जितने भी साइट सीन यहाँ पर होने वाले हैं उसके लिए आपको एक टैक्सी करना पड़ेगी। तो ये वाली टैक्सी मैंने करी है जिसमें आप 2-3-4 लोग तक बैठ सकते हो और इसका जो पर डे का जो कॉस्टिंग है लगभग है 2500 रुपये पर डे। तो 6 दिन मेरे साथ ये टैक्सी रहने वाली है जिसका मैंने पे किया है फ्लूटो हॉलीडे कंपनी के थ्रू, आपको ये पड़ जाएगी लगभग 15,000 रुपये में। आप 3-4 लोग इसके अंदर बैठ सकते हो। और अगर आप आपका ट्रिप खुद से प्लान कर रहे हो तो श्रीनगर के TRC टैक्सी स्टैंड से आपको जितने दिन के लिए टैक्सी चाहिए आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं सफर को शुरू। तो दोस्तों डे वन में ही सुबह जल्दी उठकर आपको आ जाना है कश्मीर की एक बेहद ही खास लोकेशन गुलमर्ग में, जहां आपको इस केबल कार यानी गंडोला राइड के थ्रू ऊपर तक ले जाया जाएगा। सो गाइस मेरे पीछे की साइड आप देख सकते हो ये है गंडोला राइड का स्टेशन और यहीं से जो है आपको ऊपर गंडोला राइड मिलने वाली है। तो लगभग जो यहाँ का किराया है फेस वन और फेस टू में जाने का लगभग अप्रोक्स पर पर्सन 1690 रुपये। तो ऑनलाइन आपको इसकी टिकट बुक कर लेनी है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और नज़ारा जो है आप देख सकते हो काफ़ी लंबी क्यू है यहाँ पर। तो अगर आप दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच यहाँ आते हो तो कुछ इस तरह से आपको फेस वन और फेस टू का एक खूबसूरत नज़ारा मिलने वाला है। और अगर फेस वन में थोड़ी बर्फ कम हो तो आप फेस टू में भी जाकर इंजॉय कर सकते हो, और गर्मियों में भी कुछ इस तरह से आपको यहाँ की खूबसूरती मिलने वाली है। और गाइस मेरे पीछे की साइड आप देख सकते हो ये है गंडोला राइड, तो बहुत इंजॉय करने वाले हो अगर आप यहाँ पर आते हो तो मेक श्योर जो है टिकट आपको ऑनलाइन बुक कर लेना है। मैं नहीं कर पाया हूँ बट आपको कर लेनी है, याद रखिएगा। लुक एट दैट। और अभी स्नोफॉल हो रहा है और टेम्परेचर कितना होने वाला है लगभग 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है अभी। तो गाइस बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही है और अभी हमने गाइड किया है, भैया क्या नाम है आपका? शकील अहमद नाम है इनका। तो लगभग इन्होंने हमें दिया है 700 रुपीज में, तो 700 रुपीज में ये हमारे साथ रहने वाले हैं पूरा गुलमर्ग और सारे जो साइट सीन ये करवाने वाले हैं। और व्यू आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, लाइक हेवन है। और शकील भैया आप कब से कर रहे हो ये चीज़? 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले, ओके। तो यार यहाँ पे आप लोगों को तो काफी मजा आता होगा। हाँ, स्नोफॉल से थोड़ा सा अच्छा तंग ही आते हैं क्योंकि हम हर साल यहाँ पे स्नोफॉल देखते हैं तो बहुत मुश्किल होती है हमें यहाँ पे ज़्यादा। ओके, लेकिन टूरिस्ट के लिए यही सब कुछ है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं यही देखने के। लाइक आप देख सकते हो, मैं आपको व्यू एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए आप। वाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर मैगी वगैरह आप खा सकते हो और इस पूरे माउंटेन व्यू को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। और कुछ लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर स्कीइंग कर रहे हैं और जो स्लेजिंग होती है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ अंकल जो है स्कीइंग ट्राई कर रहे हैं, वाओ। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है इस पूरी गुलमर्ग वैली में। और अभी थोड़ी बहुत स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है, देखो स्नोफॉल का ऐसा है कि जितनी कम हो उतना अच्छा लगेगा एक्टिविटीज़ करने में। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये देखिए अरे भाई भाई भाई, ये इसको जो है कहते हैं बम्पर राइड यानी ट्यूब राइड कहते हैं इसको। और इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये इधर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी अंकल स्कीइंग ट्राई कर रहे हैं, और ये देखिए इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर भी। ये देखिए पूरी जो वैली है बहुत ही खूबसूरत है। और ये भी पता नहीं कौन सी एक्टिविटी, आई डोंट नो, कमेंट में नाम लिखकर बताइएगा। और ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा है पूरी वैली का। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करने के लिए, तो ये आप कर सकते हो गुलमर्ग में। आपको शायद वहाँ पे दिख नहीं रहा है बट बहुत अच्छा नज़ारा मुझे दिख रहा है यहाँ से, बट वो आपको शायद ही दिखने वाला है कैमरे से, तो ज़रूर आप यहाँ पर आइएगा
कश्मीर गुलमर्ग बहुत खूबसूरत है। और अगर पहाड़ों में आए हो तो यहाँ की मैगी और चाय से तो प्यार करना ही पड़ेगा। और गंडोला राइड की टिकट ना होने के कारण मेरा गाइड मुझे ले गया एक हिडन वैली में, जहाँ हर किसी के लिए जाना पॉसिबल नहीं होता। भाई यहाँ से जो है ऊपर चढ़ने के बाद जन्नत दिखने वाली है, रियली मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे। बहुत अच्छा नज़ारा आगे आने वाला है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शूज़ है वो लगभग मैंने 150 रुपये में रेंट किए हैं, तो आप भी जरूर आप यहाँ पर आइए और शूज जो है रेंट कीजिए याद से। भाई व्यू देख लो आप, बहुत जबरदस्त है, लिटरली आपको बता रहा हूँ। पूरी आप वैली देख सकते हो। गुलमर्ग याद रखना, जरूर यहाँ पर आइएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और कौन कहता है कि दोस्ती हर किसी से नहीं होती, जरा एक बार अपना हाथ किसी के कंधों पर रख कर तो देखो, फिर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो आपकी दोस्ती कबूल ना करे। तो गाइस कुछ इस तरीके से दिखता है गुलमर्ग, आप देख सकते हो। और पूरी जो वैली है भैया, ये जो आपको पीछे पेड़ दिख रहे हैं वो किस चीज के पेड़ है? ये पाइन और फर के है। पाइन और फर के पेड़ है। फर के। ओके, तो यहाँ पर भी अगर बर्फ होती है तो पूरी जम जाती है इन पर? पूरी जम जाती है। पूरी जम जाती है। ओके, तो भाई बहुत अच्छा लगने वाला है आपको अगर गुलमर्ग आते हो तो, आप देख लीजिए एक बार व्यू बहुत अच्छे से। और भैया यहाँ का कुछ क्या मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो होता है कि कब यहाँ पर टूरिज्म चलता है और कब नहीं चलता है, बता सकते हो आप? यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट का रश रहता है दिसंबर से लेके, क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए। स्नोफॉल देखने के लिए। तो समर में थोड़ा सा कम ही रहता है। अच्छा, ओके। सबको स्नोफॉल ही देखना है। स्नोफॉल देखना। तो बेस्ट सीजन टूरिस्ट के लिए जिसको स्नो देखना है तो दिसंबर जनवरी सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, बट समर्स में स्प्रिंग सीजन जो होता है वहाँ पर भी लोग आते हैं? जी, उस टाइम थोड़ा सा रश कम रहता है क्योंकि उस टाइम यहाँ पे गार्डन्स बन जाते हैं बहुत सारे नेचुरल फ्लावर्स के। इसका नाम इसीलिए रखा गया है, दो नाम उसे जोड़ा गया, एक नाम है गुलमर्ग। गुल मीन्स फूल, मर्ग मीन्स मैदान। गुल मीन्स मैदान। अच्छा, ये चीज आपको देख लेना है, ये चीज भैया ने जो बताई है कोई नहीं बताने वाला है आपको। तो यहाँ पे समर में बहुत सारे ये वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, तो समर में आपको यहाँ पे गार्डन्स ही दिखेंगे। जिनको गार्डन्स देखने वो समर में गार्डन्स, और जिसको नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी है तो वो आप समर्स में आ सकते हो। देखो होता क्या है कि मुझे पता है यार आप समर्स में ज्यादा लोग आते हो क्योंकि जो आपकी छुट्टियां हैं वो समर्स में ही होती है, वैकेशन जो होते हैं, बट विंटर में भी आप ट्राई कीजिएगा, बट समर्स में भी बहुत अच्छा दिखता है। जबरदस्त जबरदस्त दिखता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर आना ना भूलिएगा। और डे टू में सुबह जल्दी उठकर आपको निकल जाना है कश्मीर की एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन सोनमर्ग के लिए, जो श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो गाइस इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कश्मीर की, यानी सोनमर्ग। आप देख सकते हो बहुत अच्छा नेचर है यहाँ का, पूरा जो है आपको माउंटेन यहाँ से दिखने वाला है। और अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं, ऊपर की साइड वो माउंटेन पर जाने वाले हैं, और वहीं से मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है पूरा सोनमर्ग। और दोस्तों आप सामने की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है स्नो बाइक, यानी स्नो मोबाइल भी इसे कहते हैं, और इसी के थ्रू जो है हमें ऊपर जाना है। और अभी जो है यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर्स लगे हुए हैं, बट इसी के थ्रू जाना है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको ऊपर की तरफ। और हाँ भाई, अरे निकल जाएगी भाई। हाँ ओके, ये देखिए आप, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा जो है आप नीचे भी एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है अभी, और काफ़ी सारी जो स्नो यहाँ पर पड़ चुकी है आप देख सकते हो। और गाइस इस टाइम मैं बैठ चुका हूँ स्नो बाइक पे, और अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जर्नी, बहुत ऊपर जाना है अभी। और गाइस जो स्नो बाइक है वो मुझे पड़ी है लगभग 2500 रुपये में, और 2500 रुपये में आपको ऊपर नीचे दोनों साइड आने जाने को मिलेगा, और साथ में मुझे मिले हैं शूज वो भी इसमें इंक्लूड है। वाओ, और बहुत मजा आ रहा है, लिटरली आपको बता रहा हूँ,
गाइस सोनमर्ग के सबसे टॉप पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं और यहां से जो नजारा मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से दिखता है पूरा सोनमर्ग वैली, ये देख सकते हैं। और ये वाला पहाड़ पूरा स्नो से ढका हुआ है और यहाँ नीचे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्नो मोबाइल एक्टिविटी हो रही है और लाइक हेवन है पूरा सोनमर्ग। तो गुलमर्ग भी बेस्ट है बट ये सोनमर्ग और ज्यादा खूबसूरत है, लिटरली आपको बता रहा हूँ। और वैसे सही कहा था किसी ने कि जन्नत तो सिर्फ कश्मीर में ही है, और रियली दोस्तों आज इस कश्मीर ट्रिप पर आने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये फीलिंग्स आपको वर्ल्ड के किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर नहीं आने वाली है। गाइस यहाँ पर जो है अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई है आप देख सकते हो, और अभी मैं आया हूँ अप्रैल मंथ में फर्स्ट वीक में, तो लगभग जो है आपको यहाँ पर जो है स्नो मिलने वाली है अप्रैल लास्ट वीक तक। बट अगर आप समर्स में आते हो तो ये जो पूरी वैली है आप देख सकते हो पूरी जो है ग्रीन हो जाएगी, तो उसका भी एक अलग ही मजा है। और भाई पूरा कश्मीर आपको घुमा रहा हूँ, पूरे नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ, सोनमर्ग गुलमर्ग पूरा जो है कश्मीर बहुत खूबसूरत है। बट इसके लिए यार मुझे एक वीडियो पर लाइक चाहिए आपका, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर दीजिएगा, और नीचे जो है बेल आइकन बना हुआ है उसको भी आप प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, और ये अगर आप करते हो तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर भी आप बैठकर चाय कॉफ़ी दूध बिस्किट जो आपको खाना हो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो खाते हुए पूरी वैली को। और यार आपको पता है कि जो बर्फ में बैठकर जो खाने की फीलिंग होती है बहुत अलग होती है। और भाई पहाड़ों में आए हो और मैगी ना खाई हो तो गलत बात है यार, मैगी को जरूर एंजॉय करना, और यहाँ की एक स्पेशल चीज है कावा, वो भी आप जरूर एंजॉय करना। और डे 3 में आपको श्रीनगर के लोकल साइट सीन्स को विजिट करना है, जिसमें सबसे पहले आपको वर्ल्ड के मोस्ट फेमस ट्यूलिप गार्डन पर आ जाना है, जहां हर तरह के और हर रंग के ट्यूलिप्स के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। और ये ट्यूलिप गार्डन साल में सिर्फ एक महीने यानी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच ओपन होता है, क्योंकि उस महीने भर के दौरान ही ये फूल खिलते हैं और कुछ दिनों बाद मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हमारे श्रीनगर की सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेस पर यानी ट्यूलिप गार्डन पर। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ जो है पूरे फ्लावर्स ही आप देख सकते हो, इतना अमेजिंग आपको लगने वाला है यहां पर आकर, लिटरली बता रहा हूं। इतनी पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ट्यूलिप के पौधे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी वाइफ है या फिर आपकी जो मदर है उनको ये चीज़ बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो लगभग 60 रुपये पर पर्सन है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा श्रीनगर का ये वाला साइट सीन। और अब मैं दिखाता हूँ आपको पूरा गार्डन कि किस तरीके से दिखता है पूरा ये ट्यूलिप गार्डन। और यहाँ सामने की तरफ आप दिख रहा होगा आपको कि ये जो पेड़ है बहुत खूबसूरत पेड़ है, यहाँ पर आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। और इसी तरीके के पूरे जो गार्डन में है आपको बहुत सारे पेड़ मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। गार्डन आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए वाओ, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल है ये ट्यूलिप गार्डन। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रेड ट्यूलिप, और इसी के आगे ये है वाइट वाला, और सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के ट्यूलिप देखने को मिल जाएंगे, और ये है येलो वाला, तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको यहाँ पर आकर। और ट्यूलिप गार्डन के बाद ये है श्रीनगर का दूसरा सबसे बेस्ट गार्डन निषाद गार्डन, जो मुगल शासनकाल में बनाया गया था। और दोस्तों ट्यूलिप गार्डन विजिट करने के बाद आपको सीधा आ जाना है यहाँ के निषाद गार्डन, और जिसे मुगलों ने बनाया है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ब्यूटी है यहाँ पर। और
माउंटेन्स आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर। और मेरे पीछे की साइड आप देख सकते हो वो है डल लेक, तो डल लेक के जस्ट सामने की साइड है ये मुगल गार्डन यानी निषाद गार्डन, और यहाँ से आप देखिए पूरा निषाद गार्डन ये आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये वाला जो गार्डन है पूरे ईयर यानी पूरे साल ये चालू रहता है, आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो, रियली बहुत अच्छा गार्डन है। बट अगर आप ट्यूलिप गार्डन जाना चाहते हैं तो आपको मार्च और अप्रैल के बीच वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वही जो टाइम है वही वहाँ पर फ्लावर जो होते हैं वो खिलते हैं। तो ये है पूरा मुगल गार्डन यानी निषाद गार्डन, आप देख सकते हैं वो रही पीछे डल लेक, उसी के किनारे बसा हुआ ये पूरा निषाद गार्डन। ये देखिए लुक एट द माउंटेन ट्रीज, और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर भी कुछ लोग जो है यानी कपल बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं यहाँ की जो ड्रेस है वो पहनकर। और इसके अलावा आप आपके टैक्सी ड्राइवर को बोलकर यहाँ के शालीमार गार्डन और बादामवाड़ी पार्क को भी विजिट कर सकते हैं। और सारे गार्डन्स को विजिट करने के बाद आपको आ जाना है पूरे इंडिया की सबसे प्रसिद्ध दरगाह हजरत बल पर, जहाँ इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद का एक दाढ़ी का बाल यहाँ रखा हुआ है, जिससे काफ़ी सारे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। और कश्मीरी भाषा में हजरत यानी मोहम्मद और बल शब्द का अर्थ है जगह यानी मोहम्मद की जगह। और डे फोर में सुबह जल्दी उठकर आपको अपना बैकपैक करके श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से टाउन पहलगांव की ओर निकल जाना है, जहां पर आपको वन नाइट स्टे करना होगा। और इस पहलगांव के पूरे मार्केट में बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, जिसमें मेरा होटल था ग्रीन हेवन, जो मेरे इस पैकेज में ही इंक्लूड था। आप चाहो तो पहलगांव में ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो, जो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच मिलने वाला है। तो दोस्तों पहलगांव पहुंचने के बाद आपको एक चीज़ जो कोई नहीं बताने वाला है वो ये है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको घूमने के लिए एक टैक्सी करना पड़ेगी। जो श्रीनगर में आपने टैक्सी करी थी वो टैक्सी यहाँ पर नहीं चलने वाली है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहलगांव वाले नहीं चाहते कि जो श्रीनगर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर बिजनेस करें। मतलब ये है कि अगर वही सब लोग अगर यहाँ पर आकर घुमा देंगे आप लोगों को, तो पहलगांव वाले बिजनेस कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आकर आपको अलग से टैक्सी करना पड़ेगी, जिसका एक दिन का यहाँ का यूनियन का रेट है लगभग 2350 रुपये। पर आपने जो श्रीनगर में टैक्सी वाले को 15,000 दिए थे, वही टैक्सी वाला आपके लिए यहाँ पर फ्री में टैक्सी अरेंज करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर आपको जो है टैक्सी श्रीनगर में लगभग 13,000 रुपये के आसपास बुक करना है। और सुबह 8 बजे श्रीनगर से निकलने के बाद लगभग 11 बजे तक पहलगांव पहुंचकर आपको 12 बजे तक निकल जाना है पहलगांव की सबसे फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है चंदनबाड़ी, जो छोटी सी एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हमारे पहलगांव की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पर, जिसका नाम है चंदनबाड़ी। आप देख सकते हो मेरे पीछे की साइड काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ इस तरह का नज़ारा है चंदनबाड़ी का, आप देख सकते हो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और एक ब्यूटीफुल सा मैदान है यहाँ पर। तो समर्स में अगर आप आते हो तो ये आपको पूरा जो है ग्रीन देखने को मिलेगा, बट अगर आप विंटर्स में आते हो तो ये पूरी जो वैली है आपको पूरी स्नो से ढकने वाली है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चंदनबाड़ी के बाहर की साइड, यानी यहीं से जो है अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है बेस कैंप, यहीं से जो है यात्रा शुरू होती है बाबा अमरनाथ की। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है बेस कैंप पीछे बना हुआ है, और कुछ इस तरह की खूबसूरती अगर आप बाबा अमरनाथ की यात्रा करते हो तो दिखा देता हूँ आपको अच्छे से एक बार। ये देखिए पूरा जो पहाड़ है स्नो से ढका हुआ है और बहुत अच्छी ब्यूटी है। और चंदनबाड़ी के बाद रास्ते में ही आपको बेताब वैली देखने को मिल जाएगी, जहां सन्नी देओल की फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी, इसीलिए इस वैली का नाम बेताब वैली रखा गया।
और बैताब वैली के निकलते ही एक ऐसी वैली यहाँ पर आने वाली है जहाँ आप खुद को बिल्कुल नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यहाँ का सीनिक व्यू आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। सो दोस्तों, ये है हमारे पहलगाम ट्रिप की सबसे लास्ट वैली और सबसे बेस्ट वैली, दिस इज आरू वैली। और गाइस, इससे बेहतर नज़ारा आपको पूरे इंडिया में कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाला है। लुक एट दिस रिवर, माउंटेन, पूरी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर आरू वैली में। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, इस पूरी नेचुरल ब्यूटी को आप फील कर सकते हैं पहलगाम की। और दोस्तों, इसे कहते हैं एक रियल ब्यूटी आरू वैली की। और मुझे लगता है कि मेरा बहुत अच्छा ट्रिप रहा है ये पूरे कश्मीर का। और Look at that. और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, रिवर, माउंटेन, कश्मीरी बच्चे, होटल और व्यू। बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पर कश्मीर में आके। और यहाँ पर मैंने जो है बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक किए हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और भाई, अच्छा लगे अकाउंट तो फॉलो भी कर देना, ठीक है। और पहलगाम ट्रिप की इस ब्यूटीफुल जर्नी के बाद कश्मीर ट्रिप के इस लास्ट डे में आपको फिर से आ जाना है श्रीनगर की सबसे फेमस डल लेक यानी डल झील पर, जो इस टाइम श्रीनगर का एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है, जहां आपको एक पूरा दिन पानी में बहते हुए शिकारा पर और पानी के बीचों बीच स्टेबल एक हेरिटेज लुक वाली हाउस बोट पर इंजॉय करना है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिसमें डल लेक के घाट से ही आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हाउस बोट वालों की तरफ से फ्री में ही मिलने वाली है। और इस पूरी डल लेक पर टोटल नंबर ऑफ घाट 22 है, जिसमें घाट नंबर 1 से लेकर घाट नंबर 10 तक के सभी घाट थोड़े पॉल्यूटेड है, जिनका पानी साफ नहीं, और बाकी घाट नंबर 11 से लेकर घाट नंबर 22 तक के सभी घाट क्लीन है। तो अपनी हाउस बोट की बुकिंग 11 से लेकर 22 नंबर तक के घाट पर ही करें। और दोस्तों, किस तरीके से दिखता है पूरा हाउस बोट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। और अगर आप सर्दियों में यहाँ पर आते हैं तो ये पूरा जो है आपको सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के थ्रू आपको पूरा हाउस बोट गर्म हो जाएगा। तो सर्दियों में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर की साइड में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखते हैं रूम। और क्या नाम भाई आपका? साहिल भाई। साहिल भाई, ओके, बढ़िया है आपका हाउस बोट। थैंक यू सर। यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप बोट राइड करके आए थे वहाँ पे? हाँ, बोट राइड करके आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ओके ओके, कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा हाउस बोट का रूम, आप देख सकते हो। और काफ़ी सफिशिएंट रूम है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा स्पेस है। और ये पूरा जो है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इसके अंदर रहता है, अगर आप सर्दियों में आते हो तो पूरा जो है आपको गर्म मिलने वाला है यहाँ पर। और ये देखिए, और वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ, सही है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे आप देख सकते हो एक रूम यहाँ पर भी है और डबल बेड है इसमें, तो यहाँ पर भी आप रह सकते हो। और इसके अलावा 3 से 4 रूम है इस पूरी हाउस बोट के अंदर, तो ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर बात करें यहाँ इस हाउस बोट के रेट की, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेट है यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है सीज़न के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आया हूँ अप्रैल 1st वीक में, लगभग जो इसका रेट मुझे मिला है 5,000 रुपये मिला है, जिसमें 2 लोग आप स्टे कर सकते हो और आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इसमें इंक्लूड रहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, 2,000 से लेके 5, 10, 15,000 तक यहाँ पर हाउस बोट मिलती है। तो ये हाउस बोट है 5,000 पर डे वाली, आप इससे अच्छी भी ले सकते हो और थोड़ी सी सस्ती भी ले सकते हो। और हाउस बोट में चेक इन करने के बाद आप यहाँ की शिकारा राइड का मजा ले सकते हैं, जिसमें पूरा शिकारा आपको 700 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ श्रीनगर की जान यानी डल लेक पर यानी डल झील पर। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, पूरी साइड में आपको जो है दिखने वाली है बहुत सारी हाउस बोट्स, तो आप यहाँ पर भी बुकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है पूरा जो है यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट बना हुआ है, मैं आपको आगे की तरफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से दिखता है पूरा डल झील का ये नज़ारा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये शिकारा राइड जब तक चलती रहेगी
कुछ न कुछ यहाँ पर बेचने वाले आते रहेंगे अपनी शिकारा के थ्रू। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फ्रूट्स बिक रहे हैं, और इधर अगर साइड में देखें तो यहाँ पर जो है ये शिकारा वाले भैया गिफ्ट आइटम सेल कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से चलता है पूरा ये मार्केट, पूरा जो है मार्केट यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर जो है आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ये कुछ आइटम्स है यहाँ से ले सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलता है ये पूरा मार्केट। ये देखिए यहाँ पर भी जो है आप शॉपिंग कर सकते हो, और बहुत अच्छा आपको फील आने वाला है अगर आप यहाँ पर आते हो तो। और हाँ, एट द एंड में आपसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि रियली कश्मीर एक जन्नत है, लाइफ में एक बार आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस ओवरऑल पूरी ट्रिप में जो आपका कितना खर्चा होने वाला है दो लोगों का। बट आप उससे पहले सोच रहे होंगे कि यार ये जो मेरे पीछे लोकेशन है ये कौन सी लोकेशन है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हैं ये है बायसरन वैली, यानी ये है पहलगांव में। अब आप सोचोगे यार कि मैंने इस वीडियो में आपको पहलगांव की ये जगह जो एक्सप्लोर नहीं कराई। तो देखो क्या होता है कि अगर आप दो दिन के लिए यहाँ पर आते हो पहलगांव, तो आप ये विज़िट कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। बट अगर आप एक दिन के लिए आते हो तो जो मैंने आपको बताया है आरू वैली, बेताब वैली, चंदनबाड़ी, वहाँ पर आप विज़िट कीजिएगा। बट अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी मूवीज़ वगैरह की शूटिंग होती रहती है, जैसे बजरंगी भाईजान, जलजला, पता नहीं मुझे, आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। और गाइस फाइनली अब बात कर लेते हैं इस ओवरऑल ट्रिप के बजट की, यानी कितना खर्चा होने वाला है अगर आप यहाँ पर इस कश्मीर में घूमना चाहते हो दो लोगों का। तो सबसे पहला जो आपका खर्चा होने वाला है वो होने वाला है होटल्स में। तो लगभग जो है आपको 5 नाइट्स के लिए यहाँ पर होटल लेनी पड़ेगी, जिसमें आपकी 4 नाइट्स रहेगा श्रीनगर, 1 नाइट रहेगा पहलगांव। तो 5 नाइट्स के लिए आपको होटल लेनी है, 5 नाइट्स के लिए आपको लगभग 3,000 पर डे के हिसाब से देना होंगे, 15,000 रुपये, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा। और दूसरा जो आपका मोटा मोटा खर्चा यहाँ पर होने वाला है कश्मीर घूमने के लिए, वो होने वाला है टैक्सीज में। तो टैक्सी वगैरह आपको बुकिंग कर लेनी है, उसका जो आपका 6 दिन आपके साथ रहने वाली है वो टैक्सी, और उसका जो आपका लगने वाला है 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से, जिसमें आप 6 दिन आपके साथ रहेगी, जहाँ पर आप बोलोगे वैसा घुमा देगी वो, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप, जहाँ से भी जैसे भी आप आते हो, तो 6 दिन आपके साथ रहने वाली है टैक्सी। तो 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से आपके 6 दिन के होने वाला है टैक्सी के 15,000 रुपये। और तीसरा जो आपका मोटा मोटा खर्चा, मोटा तो क्या छोटा ही है, तीसरा जो आपका खर्चा होने वाला है वो होने वाला है यहाँ की हाउस बोट में। तो हाउस बोट आपको पड़ने वाली है लगभग 5,000 पर डे के हिसाब से, जिसमें आपको दो लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा, 1 दिन के लिए आपके पास हाउस बोट रहने वाली है। तो लगभग जो आपके 5,000 रुपये लगने वाले हैं हाउस बोट में। अब इन तीनों खर्चों को अगर आप टोटल करोगे 15,000, 15,000 और 5,000, तो लगभग आपका होने वाला है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये में आप पूरा कश्मीर घूम सकते हो, वो भी दो लोग। और यार कश्मीर आ रहे हो तो कम से कम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रखकर ले आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करना होगी। तो ये था पूरा टूर प्लान, आई होप आपको पसंद आया होगा। 35,000 में पूरा कश्मीर घूम लीजिए। बट अब बात कर लेते हैं कि मैं किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आया हूँ कश्मीर में। मैं जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आया हूँ कश्मीर में, इन्होंने मुझे दिया था लगभग 33,000 रुपये में ये पूरा पैकेज, 33,000 रुपये में ये पूरा पैकेज इन्होंने मुझे दिया था श्रीनगर से लेकर श्रीनगर तक का। तो आप भी इनसे पैकेज ले सकते हैं। कंपनी का जो नाम है वो है फ्लूटो हॉलीडेज, ये एक दिल्ली की कंपनी है। तो जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है और जो लोकेशन है इस इनके जो ऑफिस की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।